गाइस ये रहा हमारी गाय का शेड, जिसमें अभी हमारे पास सिर्फ तीन ही गाय हैं, क्योंकि काम आपको पता ही है कि अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे आपको दिखाता रहूंगा। ये चारों तरफ मेरे फार्म के देखोगे आप, खेत ही खेत हैं, बिल्कुल खेत के सेंटर में मेरा फार्म आ जाता है। और ये फार्म जलंधर में पड़ता है, पंजाब जलंधर में। तो गाइस ये रहा बकरी का शेड, फिलहाल इसकी भी रिपेयरिंग होने वाली है, ये काफी इसका भी नुकसान हो रखा है। आप देख सकते हो फ्रंट एंगल है, शामिल है इसमें, और ये बकरी की घास डालने वाली, तो उसके बाद में अभी इसकी सफाई करेंगे। ये काफी गंदा हो रखा है, इसमें से पानी वगैरह निकालने वाला है। तो ये देखो इसके ऊपर की अभी ये छत डलेगी, ये भी डाल देंगे। ये हमारे पास रोटावेटर है, होने वाली है, आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास ये आ जाते हैं केजेस, जिनमें भी डॉग आएंगे। फिलहाल ये फ्री पड़े हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद में हमारा ये आता है बर्ड्स पोर्शन, जहां पर फैंसी चिकन और फैंसी कबूतर की वैरायटी रखी जाती है। फिलहाल हमारे पास ये दो डॉग हैं, जॉन और रॉक्सी। रॉक्सी, जॉन। इस साइड में हमारे पास ये बेंटम की एक छोटी ब्रीड, बेंटम से थोड़ी बड़ी ब्रीड रहती है, नॉर्मल मुर्गों से छोटी और बेंटम से थोड़ी बड़ी, इसका पेयर है। ये हमारे पास दो पेयर है, एक पेयर ये रहा। ये रहा एक पेयर, इसमें आप देख सकते हो इसका साइज, ये बेंटम से थोड़ा बड़ा रहता है और देसी से छोटा, इसका यही साइज रहेगा। इसके बाद में हमारे पास आ जाए ये बैंटम की ब्रीड, ये नॉर्मल बैंटम आ जाते हैं। इसमें थ्री फीमेलों के साथ हमारे पास एक मेल है। एक्चुअली ये सारे हमारे ब्रीडिंग सेटअप है, इसमें से कुछ भी सेल नहीं करते हम, सिर्फ दिखाते हैं, दिखाने के लिए रख रखते हैं। इनमें एक मेल और थ्री फीमेल हैं। इसके नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास असील, तो इनको तो अभी खोलना ही है। ये देखो ये असील की फीमेल है, ये असील, और इसमें कुछ देसी भी है, ये देसी मुर्गा आ गया, और ये असील की फीमेल है। ये सब पेरेंट्स हैं, इनमें से कुछ भी सेल नहीं होता, मतलब सिर्फ हम दिखाने के लिए रखते हैं। ये हमारे पास है प्योर देसी, जो हमारे पहले देसी होते थे। तो इसके बाद में हमारे पास ये आ जाता है आर आई एस ब्रीड, ये भी ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें ये ब्रीडिंग सेटअप बाहर गया, जैसे ही आता है चलो ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ मैं। देख सकते हो आप, इसमें हमारे पास फिलहाल के लिए छाप जाल जा रहा है, ये रहा नॉर्मल जाल जा रहा है, और कुछ व्हाइट कबूतर है और इनके बच्चे।
उसके बाद में हमारे पास ऊपर की तरफ कुछ कबूतर रखे हुए हैं, ये फैंसी में आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास सैंडीनेट है, जैलदार है, और ये सैंडीनेट और जैलदार का बच्चा है। देखो क्या कॉम्बिनेशन निकाला है, इसकी तो मैं समझ ही नहीं है ये बनेगा क्या, लेकिन बहुत प्यारा निकला। देखो सैंडीनेट और जैलदार का मिक्स बच्चा है। ये एक मुर्गी है असील, दो पेड़ ने अंडे डाल रखे हैं और बाकी अभी बच्चे देखो अपने तरफ में। तो उसके बाद में ये हमारे केज एक तैयार होने वाला है, ये केज रेडी होने वाला है, इसका गेट लगेगा और इसके इस साइड में केज बनेगा एक और ये केज यहाँ से हट जाएगा, ये आगे आ जाएगा। ये केज तो फ्री बने हैं, अभी कुछ नहीं है इन्होंने। ये हमारा बद्री का पेड़ आ गया, केज आ गया, ये भी सारा फिलहाल तो फ्री पड़ा है, अभी इनमें रखेंगे और जानवर लगा कर डालेंगे। तो देन गाइस ये हमारा छोटा सा फार्म आ गया, आपको अपने फार्म की मैंने सारी वीडियो डाल दी है। अब जैसे जैसे यहाँ पर बर्ड्स आते रहेंगे मैं आपको साथ ही साथ रहेंगे, मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा। और अगर आपको हमारा फार्म अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। और बाकी जैसे जैसे बर्ड्स आएंगे आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, कुछ ही दिनों में आपको हमारे फार्म पे काफ़ी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।